शराब का जिक्र किया, वैसे मैं कहना नहीं चाहता था। अभी आपके पास में भी एक लीडर बनने के लिए तैयार हैं, जिनका नाम है कुलवीर दिनोदा जी केडी। वो भी शराब को अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, दो दो लीटर पिया करेंगे साथ में इकट्ठे बैठ के। ना उससे पहले भी पहिया पीतल आया और पता नहीं कितने गाने पब के अंदर आए। अब उस आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हमारे साथ में मौजूद हैं, बातचीत कर लेंगे। सर आपको मुबारक हो, आज आपने हिसार के अंदर भी ऑफिस की स्थापना कर दी है। देखिए ऑफिस लोगों के दिलों में होना चाहिए, भवनों में तो होते ही रहते हैं, सबके ही है। आम आदमी पार्टी का ऑफिस हरियाणा के लोगों के दिलों में बन चुका है, जो सरकार बदलने का काम कर रहा है। उधर हमारे साथ में आप देख पा रहे हैं तारा फोर्ड से प्रदीप नेहरा जी भी हैं और इस साइड में मनोज राठी जी बैठे हैं। जनता के कुछ सवाल हैं जो कि आज सुशील गुप्ता जी से हम लोग रूबरू होकर पूछने वाले हैं। सर कुछ खट्टे मीठे सवाल है, खट्टे से शुरुआत करें मीठों से शुरुआत, जो आपका मन करे वहां से करो, वहीं से कर रहे हैं। सर सीधा सीधा एक सवाल है कि आगे चेयरमैनी का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितना आगे तक जा पाएगी? देखो भाई जहाँ मैं जा रहा हूँ सारा का सारा गांव हाथ खड़ा करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा है, तो ये तो अपोजिशन वालों का सब लेना चाहिए। हम कहाँ तक जा रहे हैं? कोई भी कोर्स हो सर, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का कोर्स होता है। दिल्ली में आपने कर लिया, पंजाब में आपने कर लिया, लेकिन हरियाणा के अंदर जस्ट अभी शुरुआत है और चेयरमैनी का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है। कहीं ऐसा ना हो पहले पेपर के अंदर सारा सिलेबस बाहर से आ जाए और रिजल्ट जीरो। सिलेबस कहीं से आ जाओ, रिजल्ट फर्स्ट क्लास आओगा, चिंता ना करो। बेरोजगारी को लेकर पंजाब के अंदर विरोध किया गया था और उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया, किस प्रकार देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी अभी नई नई आई है, बेरोजगारी का विरोध हो रहा है, वहीं पे लाठी चार्ज हो जाता है, सर कहाँ तक उचित है? देखिए पंजाब की पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर 35,000 अडोक कर्मचारियों को पक्का किया, पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर 25,000 नई सरकारी नौकरी निकाली, नए उद्योग लगे, नई इंडस्ट्री लगे, इसके लिए अखबार के फर्स्ट पेज पे देके सुझाव मांगे गए ताकि रोजगार बढ़े। जो लोग कई दशकों से नशे का कारोबार कर रहे थे, कई दशकों से भ्रष्टाचार में लिप्त थे, अब उनकी गद्दी छिन गई, कुछ ना कुछ तो प्रदर्शन करने का उनका हक बनता है, कर लेने तो थोड़े दिनों में शांत हो जाएंगे। यानी कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट ना होकर वो नशेड़ी थे। नशेड़ी तो मैं नहीं कह सकता, मगर नशे का कारोबार करने वाले थे। जो नशे के कारोबार में लिप्त ये दल रहे हैं, उन दलों के लोग। कहीं ऐसा नहीं लग रहा सर, जैसे किसान आंदोलन के अंदर बीजेपी ने कहा कि जी आप ये तो आतंकवादी हैं, ये माओवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, अब कहीं उसी प्रकार का ये एक झोलमेल करने का काम आप भी कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखो किसान आंदोलन में खट्टर साहब ने कहा ये आतंकवादी हैं, इनकी जड़ चीन में और पाकिस्तान में है भाई, और फिर कहा मेरे पास पक्का सबूत है। हमने उस समय भी कहा था जी आप अपनी जड़ देख लो, ये तो अड़े पैदा हो रहे हैं पंजाब में। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि नशे का कारोबार सरकारों के मिले भगत से था, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं कि जनता का पैसा वो खाया करते, और इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं कि भगवंत मान ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया, कोई खावे तो भेज दियो, और उसके कारण 16,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू फालतू आया। तो भाई तकलीफ तो होगी, जिनका धंधे छूट गए, वो धंधे छूट गए तो कोई ना कोई शरारत तो करवाएंगे, चाहे वो बम फुड़वा लो, चाहे वो बालकान खड़ा कर लो, मगर पंजाब की जनता खुश है, वो सब कुछ समझ रही है। पंजाब की जनता के उम्मीद पे पंजाब सरकार, भगवंत मान सरकार 100% खरी उतर रही है। केजरीवाल जी तो है ही हैं, उसके साथ साथ में ना हमारे अनिल विज जी होम मिनिस्टर हैं, एक बड़ा बयान दिया था आपको सभी को पता है आम आदमी पार्टी के बारे में, ये तो बच्चा पार्टी है सर, नए नए बच्चों को बना दिया, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, किसी को अध्यक्ष बनाकर छोड़ दिया, चाबी भर के छोड़ दिया कि जा बेटा अपना जा, हो जा तैयार, जहाँ पर दिल करे वहाँ पर बयान दे, जो काम करना, बच्चा पार्टी है, आगे लड़ नहीं पाएगी। जो बच्चे हैं ना उनको मोबाइल की टेक्निक का पता है, बूढ़ा ने कुछ नहीं बेरा कि इसमें फालतू आवे है, कि चीज़ इस्तेमाल करनी आवे, उन्हें टेलीफोन काटना और चालू करना आवे, बालकान उसमें 1,000 चीज़ आवे हैं। हम बच्चे जरूर आ, परंतु हम स्कूल बदलना जानते हैं, हम हॉस्पिटल बदलना जानते हैं, हम नौकरी देना जानते हैं, हम भ्रष्टाचार ख़त्म करना जानते हैं, हम फ्री में बिजली पानी देके भी 7,308 करोड़ रुपये मुनाफा कमाने जानते हैं। ये कुछ नहीं देते, 1,25,000 करोड़ रुपये का कर्जा
सिर पर लेकर बैठे हैं, 35% बेरोजगारी है। अगर 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति की बात करता हूँ, भारत सरकार के आंकड़े हैं, अगर 18 से 28 वर्ष की बात करता हूँ तो 60% बेरोजगारी है। बेरोजगारी को दबाने के लिए इनने दारू के रेट घटा दिए, दारू की दुकान का टाइम, पब का बार का टाइम सवेरे 8 बजे तक कर दिया। मतलब महिलाएं पहले घबराया करती, रात ना 8 बजे के बाद भाई दारूबाज मिलेंगे, इब तो सवेरे 8 बजे तक कर दिए। बालकान लेकर स्कूल खाते लकड़ेंगी, अरे दारू के में टहलते हुए आओगे किस तरफ, यू कब तक ये नशे में झोंक के बच्चों के रोजगार की बात को छुपा लेंगे। अभी आपने शराब का जिक्र किया, वैसे मैं कहना नहीं चाहता था, अभी आपके पास में भी एक लीडर बनने के लिए तैयार हैं जिनका नाम है कुलवीर दिनोदा जी KD, वो भी शराब को अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, 2-2 लीटर पिया करेंगे साथ में इकट्ठे बैठ के, न उससे पहले भी पहिया पीतल आया और पता नहीं कितने गाने पब के अंदर आए, आप उसको किस प्रकार देखते हैं? देखो कलाकार है, कलाकार दारू की बात भी करेगा, कलाकार घी की बात भी करेगा, कलाकार देशभक्ति की बात भी करेगा, कलाकार तो जो उसको प्रोफेशनल चीज़ है उसकी, उसमें जो मर्जी बात करे, परंतु उसके वास्तविक जीवन के अंदर क्या पोजिशन है वो देखो। यूथ का आइकॉन आज वो, हरियाणा के अंदर एक पहचान है वो। यूथ के आइकन तो हैं, लेकिन यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं जब गानों के ऊपर चलता है कि जी 2-2 लीटर पिया करेंगे साथ में इकट्ठे बैठ के? तो मैं एक बात बताऊँ, फिर तो हिंदुस्तान में फिल्म बनानी बंद कर देनी चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर कलाकारों को बाहर भेज देना चाहिए। अगर आप ये बातें सोचेंगे, कलाकार को हर तरीके का रोल करना पड़ता है और तभी कलाकार बनता है। सर ये मेरा नहीं, जनता का सवाल है, जनता को जवाब दे रहा हूँ, आपको नहीं दे रहा, आपके चैनल के माध्यम से जनता कभी आप पर्सनली ले जाए ना, मैं तो जनता को जवाब दे रहा हूँ भाई। ओके, तो सर बड़े चेहरे का जिक्र है कि हरियाणा के अंदर बड़ा चेहरा, जब आम आदमी पार्टी का नाम आता है तो नो डाउट आपका नाम आता है, एक और है जो सिर फुड़वाने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, नवीन जैन जी, या फिर एक राठी साहब हैं, जहां पर बुलाएं सेकंड में पहुंच जाते हैं या इनका फोन आ जाता है, हमेशा तैयार रहते हैं बयानबाजी करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई और बड़ा चेहरा, अब चेयरमैन का चुनाव ये तो लड़ेंगे नहीं, अब लोग कहते हैं सुशील गुप्ता जी के पास में गए, उन्होंने मेरे को भी थापी लगा दी जी, आपको भी लड़वाएंगे, उसको भी लड़वाएंगे, बैकग्राउंड उनका कहीं दूर दूर तक नहीं है, कैसे पॉसिबल हो? ये आपके जो चैनल वाले हैं ना, इनको मैं बता दूं, ये 70 साल से राजा के बेटे को राजा बनाते आ रही है सारी पार्टी। एक 2-4 खानदान है जिन्हें मुख्यमंत्री भी चाहिए, विधायक भी चाहिए, सांसद भी चाहिए, सब कुछ उनने चाहिए। आम आदमी पार्टी ने 2 रंग अपनाए, नीला और केसरी। बसंती रंग है ये भगत सिंह का, जो लाखों शहीदों ने शहादत दी कि देश तरक्की करे, अपने लिए नहीं दी थी। और नीला रंग बाबा साहब अम्बेडकर जी का है, जिन्होंने संविधान में हर आदमी को ताकत बराबर दी, राजा रंग फकीर को। इस संविधान की ताकत को BJP, कांग्रेस, इन लोग और अकाली नहीं पहचान पाए, अरविंद केजरीवाल ने पहचाना है। इसलिए हम एक मोबाइल की दुकान में काम करने वाले मैकेनिक से मुख्यमंत्री करवाते हैं, एक ढाबे वाले से मेयर को करवाते हैं, ऑटो रिक्शा वाले से मंत्री को करवाते हैं। कौन से बड़े चेहरे की बात कर रहे हो आप? हमारे सारे चेहरे बड़े हैं। जब जनता में नज़र मारोगे ना, ये जनता है, आम आदमी है, आम आदमी से बड़ा कोई खास आदमी नहीं। खास आदमी 1947 में चले गए पीछे, अब लोकतंत्र है, जनता का जमाना है, यही खास चेहरे हैं, यही आम चेहरे हैं। एक बड़ा मुद्दा है सर SYL का, आपकी सरकार वहाँ पर है, क्या लगता है कुछ कोशिश करेंगे? हमारी सरकार का है 2 महीने नहीं होता, हमने कोशिश की पड़गी, अरे कई कई साल है, ये सारी पार्टी रैली इनकी नीयत नहीं है सुलझाने की, हमारी नीयत है 2024 में हमारी सरकार आने दो, आपस में बैठ कर बात करेंगे, सुलझा लेंगे। यानी कि उम्मीद यही है कि पहले हरियाणा के अंदर आए, पंजाब के अंदर आए, उसके बाद में डील होगी। जब भी तो भाईचारा बनेगा, जब भी बैठ के बात होगी, इनकी केंद्र में भी रैली, पंजाब में भी रैली, हरियाणा में भी रैली, कांग्रेस की भी, BJP की, इन्हें कदे नाम नहीं लिया, हमने करा, हम यू काम करेंगे। इनके काम करने की आदत नहीं, इनकी आदत है बात बात करने की, और हमारी आदत है काम करने की। एक बरवाला से विधायक हैं, फिलहाल जिस टाइम पे विधायक नहीं थे उन्होंने जमीन दान में दे दी, और अब विधायक बनने के बाद में अखबार के अंदर रोजाना स्टेटमेंट आ रही थी कि उसके ऊपर कब्जा करने की फिराक कर रहे हैं, क्या कहें? क्या कब्जा नहीं कर रहे हैं, इन्हें सारे देश को बाल कदे लूट के खा गए, और क्या कि इन बातें छोड़ दो, ये तो सारे देश ने बेरा है, जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे BJP में जाकर इकट्ठे हो गए। उम्र घटा दी शराब पीने की, 21 साल कर दी, पहले 25 साल थी, किस प्रकार देखते हैं? उम्र घटा दी, रेट घटा दी, ठेका का टाइम कर दिया, रात के 12 बजे के बजाय सवेरे 8 बजे तक, ताकि सवेरे सवेरे नशा मौका पड़ जाओ, ना नौकरी मांगो
ना व्यापार मांगो, बस भ्रष्टाचार बढ़ता रहे, ये जो मर्जी करे, युवक नशे में रहे, आवाज ना उठाए। हो सकता है हरियाणा सरकार आपको देखती हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे हरियाणा की जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे? हरियाणा सरकार को कहूँगा खट्टर साहब 2.5 साल बचे हैं, स्कूल सुधार लो, कॉलेज सुधार लो, हॉस्पिटल सुधार लो, बिजली पानी सुधार लो, शायद तारी जमानत बच जाए, नहीं तो जनता उठ खड़ी होली, बस कितने छोड़ेगी नहीं क्या काम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुशील गुप्ता जी, और आप कितने एक सहमत हैं जो सवाल पूछे गए हैं इनसे, जो प्रश्न पूछे गए हैं, आप कितना एक इनसे वाकिफ हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना मत भूलिएगा। देखते रहें आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।